इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास फिफ्थ के चैप्टर, चैप्टर नेम है व्हाई रूस्टर्स क्रो एवरी मॉर्निंग। तो इसका पार्ट वन वीडियो जो है पहले से मेरे चैनल पर अवेलेबल है, अगर आपने वो वीडियो आप नहीं देखा है तो वो वीडियो भी जरूर देख ले, उसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो लिंक पर क्लिक करके आप वो वीडियो डायरेक्ट देख सकते हैं। तो पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था कि किस तरह से आर्चर ने 8 सूरज को गिरा दिया अपने तीर धनुष से। अब आगे क्या होता है इस वीडियो में हम पढ़ेंगे। द 9th सन डिड नॉट वॉन्ट टू बी शॉट डाउन। अब जो 9th सूरज था, 9th नंबर वाला जो था, वो अब गिरना नहीं चाहता था धरती पे। 8 सूरज को तो आर्चर ने गिरा दिया था अपने तीर से, अब वो 9th नहीं गिरना चाहता था। सो हेड बिहाइंड द टॉलेस्ट माउंटेन। तो इस वजह से सूरज ने क्या किया कि एक सबसे टॉलेस्ट माउंटेन के पीछे जाकर के छुप गया। वे आर द आर्चर कुड नॉट सी हिम, जहां की आर्चर जो है उसको देख ही नहीं सकता था। The archer came down from the mountain and proudly told the king that he had shot down 8 of the 9th sun in the sky. तो अब आर्चर जो था वो राजा के पास वापस चला जाता है और गर्व से बताता है कि उसने 8 सूरज को तो गिरा दिया 9 में से। He explained that the 9th sun had hidden away, fearing his arrows. और यहाँ वो ये भी बताता है कि जो आखिरी सूरज था ना 9th नंबर वाला, वो मेरे धनुष से डर करके छुप गया है। तो ये सब चीजें वो गर्व से बताता है कि वो अब डर के छुप चुका है। द हैप्पी किंग गेव द आर्चर हिज प्राइज। तो जो राजा था वो बहुत खुश होता है कि 8 के 8 सूरज गिर चुके हैं और एक जो है वो तो अब छुप चुका है, तो अब धरती पे उसकी वजह से जो भी नुकसान हो रहा था ना धूप की वजह से वो नहीं होगा। तो ये राजा ने क्या किया कि आर्चर को प्राइज दे दिया। For a few days, all the animals and people on earth were happy not to have the heat of 9 suns beating down on them. अब क्या हुआ? कुछ दिनों तक तो जो जानवर थे, लोग थे, सब बहुत खुश थे धरती पे कि अब सूरज की उतनी तेज जो तपन थी ना वो नहीं आ रही है धरती पे और वो चैन से रह पा रहे ठंडक में। But then they began to feel cold without the warmth of the sun. लेकिन अब धीरे धीरे क्या हुआ कि उन लोगों को ठंडा लगने लगा, सूरज की कमी में उन लोगों को महसूस होने लगा बहुत ज़्यादा ठंडा। विदाउट द गोल्डन रेज ऑफ द सन, क्योंकि अब तो सूरज की कोई गर्मी भी नहीं आ रही थी धरती पे जिससे कि धरती को थोड़ा सा गर्माहट मिल सके, तो मौसम बहुत ठंडा हो जाता है। प्लांट्स एंड क्रॉप्स डिड नॉट ग्रो इधर। और सूरज के जाने के बाद भी क्या हुआ, ठंड की वजह से भी जो पेड़ पौधे थे ये सब नहीं लग पा रहे थे, ग्रो नहीं हो पा रहे थे, क्योंकि पेड़ पौधों को तो सूरज की रोशनी चाहिए, हर चीज़ चाहिए। The people on earth realized that they needed the sun after all. तब लोगों को धरती पे ये एहसास हुआ कि उन्हें जो है सूरज की जरूरत है। Let's call the sun that has hidden away and tell him to come back and live in the sky. अब इन लोगों ने कहा कि अब हम लोग सब सूरज को वापस बुलाएंगे जो कि छुपा हुआ है। 8 के 8 तो गिर चुके हैं लेकिन एक जो छुपा हुआ है उसको हम वापस बुलाएंगे और कहेंगे कि वापस से आसमान में अपना जगह ले लो। The wise king said, The people on earth called out to the sun. अब राजा ने ऐसा ही कहा उन लोगों को करने के लिए कि हाँ ये सही है, ऐसा ही करने के लिए कि सूरज को बुलाया जाए। तो अब सारे लोग जो धरती पे थे सब वापस बुलाने में लग गए। To persuade him to return to his place in the sky. एक तरह से उसको रिक्वेस्ट करने में, सूरज को प्रार्थना करने में लग गए कि वो वापस आ जाए आसमान में। But the sun could not hear their voices. लेकिन सूरज इन लोगों की आवाज़ सुन ही नहीं पा रहा था क्योंकि वो तो छुपा हुआ था। Birds sang loudly to attract the sun's attention and animals also called out to him, but it was of no use. अब सारे जो पंछी थे वो भी गाना गाने लगे जोर जोर से सन्स को अट्रैक्ट करने के लिए, बुलाने के लिए, सन के अटेंशन पाने के लिए। सारे जो जानवर थे वो सब भी आवाज़ लगाने लगे, लोग भी आवाज़ लगाने लगे, लेकिन इसका कोई यूज़ नहीं हुआ, सूरज को आवाज़ पहुँचा ही नहीं। द सन डिड नॉट अपीयर इन द स्काई, और सूरज इस वजह से क्या आसमान में नहीं आ रहा था। Finally, a man said, "Let ask the rooster to call out to the sun." तभी एक इंसान ने बोला कि रूस्टर जो होते हैं ना मुर्गा, उसको बोला जाए कि वो सूरज को बुलाए। He has such a loud voice, क्योंकि उसकी आवाज़ बहुत तेज है, and he is brave and fearless too. और वो बहुत साहसी भी है और उसे किसी चीज़ का डर भी नहीं है। The rooster agreed to try and call the sun. अब क्या हुआ कि जो रूस्टर था ना, जो मुर्गा था, वो तैयार हो गया कि हाँ वो बुला लेगा जो सूरज वहाँ छुपा हुआ है ना, सन आउट ऑफ हाइडिंग, तो उसको वहाँ से बुला लेगा। ही बिगन टू क्रो एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस, और वो अपने सबसे तेज आवाज में आवाज लगाने लगा और बोलने लगा, कॉक अ डूडल डू, ही क्राउड सो लाउडली।
अब वो बहुत जोर जोर से जो मुर्गा बांध देता है ना, चिल्लाता है उस तरह से, वो बहुत जोर जोर से आवाज करने लगा सूरज को बुलाने के लिए. द सन हर्ड हिम. अब सूरज ने उसको सुन लिया, उसकी आवाज इतनी तेज आवाज थी. एंड रोज इन द स्काई एट वंस. और एक बार के लिए आसमान में सूरज निकल आया. ऑल द पीपल एंड एनिमल्स ऑन अर्थ रिजॉइस्ड. अब सारे लोग जो धरती पे थे, एनिमल्स थे, लोग थे, सबके सब बहुत खुश हो गए. द सन वॉज वेरी grateful to the rooster for bringing him out of his hiding place. तो यहाँ पे क्या हुआ कि सूरज भी खुश हुआ, क्योंकि रूस्टर ने क्या उसको उसके छुपे हुए जगह पे ऐसे तेज आवाज लगाया कि वो वहां से निकल करके आ गया, क्योंकि उसको वहां उसकी आवाज पहुंच गई. तो वो भी बहुत इससे खुश होता है, प्रसन्न होता है रूस्टर से. He placed a small piece of the red morning sky on the rooster's head. अब आपने देखा होगा मुर्गा के सर पे लाल रंग का ऐसा लगता है जैसे ताज पहना हुआ हो, तो ऐसा माना जाता है कि उसको वो सूरज ने ही उसके सर पे दिया है. जो सुबह की लालिमा होती है ना, वो उसके सर पे ऐसे ताज की तरह पहना दिया. एंड सेड फ्रॉम नाउ ऑन यू विल हैव द इम्पॉर्टेंट जॉब ऑफ वेकिंग अप वेकिंग मी अप एवरी डे. और वहां से उसको बोला गया रूस्टर को कि तुम्हारा डेली का नियम से ये काम है कि तुम हर रोज मुझे उठाने का काम करोगे, जगाने का काम. एंड दैट इज वाई All roosters have a red cock's comb on top of their heads and crow loudly every morning. तो इसी वजह से जो मुर्गे होते हैं, मुर्गे के सर पे आपने देखा होगा कि रेड कलर का कॉक्स कॉम्ब होता है, मतलब वो डिजाइन होता है बिल्कुल ताज की तरह पहने हुए होते. देखना आप ध्यान से, मुर्गे के सर पे लाल रंग का जो होता है ना, ऐसा माना जाता है कि सूरज ने उसे ताज की तरह पहनाया है, नवाजा है. और आप हमेशा देखते होंगे कि सुबह सुबह जो मुर्गा है वो जोर जोर से आवाज लगा करके सभी को एक तरह से उठा देता है. तो ये सब उसको काम मिला हुआ है, इसी वजह से वो वैसा काम करता है. तो आई होप आपको ये चैप्टर बहुत ही अच्छे से समझ में आ गए होंगे. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.